जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की छठी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा रही हूं कि कान्हा जी की छठी किस प्रकार से मनाना चाहिए, बहुत ही सरल विधि से घर में किस प्रकार से आप मना सकते हैं, उस विधि विधान को मैं दिखा रही हूँ अपने वीडियो के द्वारा। जो कोई भी जन्म उत्सव मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उन्हें छठी अवश्य मनाना चाहिए। जिन लोगों ने 6 सितंबर 2023 को छठी मनाया, वह दिन सोमवार को मनाएंगे छठी, और जिन्होंने 7 सितंबर 2023 को मनाया, वह दिन मंगलवार को छठी का उत्सव मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जो लड़के होते हैं उनकी छठी 6 दिन पर होती है, और जो लड़की होती है तो उसकी छठी 5वें दिन पर होती है। यह परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। भगवान कान्हा का प्राकट्य हुआ था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तो उनकी छठी 6 दिन पर मनाई जाती है पूरे देश भर में। छठी महोत्सव को बना करके वीडियो के द्वारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। घर में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल विधान से किस प्रकार से आप अपने घर में छठी महोत्सव मना सकते हैं। देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए बनाया है, बहुत ही सुंदर कढ़ी बनाई है। कढ़ी कितना सुंदर लग रहा है। हरीरा बनाया है, मेरे यहाँ हरीरा का भोग लगाया जाता है, तो यह हरीरा बनाया है। चावल बनाया है, पूड़ी है, सब्जी है, फल भी होता है, मिठाई भी होता है। जितने पकवान आप बना ले जाएं उतना ही अच्छा है, लेकिन मैंने इतनी ही चीज़ें बनाई हैं अपने घर के परंपरा के अनुसार। सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान को बिठाना है, विराजित करना है, वह आसन सिंहासन, उस स्थान को सजाया है मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से, और बहुत ही सिंपल तरीके से उस स्थान की सजावट की है। एक चौकी ली है, उस पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है, और एक छोटा सा बिस्तर है, यह मैं रखती हूँ। यह चौकी है भगवान कान्हा जी के विग्रह का। इस चौकी को सजाया है और इस पर अपने कान्हा जी को बिठाया है, और इसी पर मैं नित्य सुलाती हूँ। यह बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चौकी एक बनवाई है मैंने, इस चौकी के ऊपर कपड़े को बिछा दिया है। छठी के दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो नए वस्त्र भी हैं। सबसे पहले कच्चे दूध में कान्हा जी को मैं नहला रही हूँ, डुबकी लगा रही हूँ। एक कहावत कही जाती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। यह वही कहावत है कि जिस घर में भगवान कान्हा जी की छठी मना करके उन्हें दूध में डुबकी लगाई जाती है, तो यह आशीर्वाद स्वरूप नई बहू को बोला जाता है कि तुम्हारे पुत्र हो, संतान हो, और दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारे घर में संतान की वृद्धि हो, तुम्हारे पुत्र हों, पौत्र हों, और घर में जन और वंश की वृद्धि हो। इससे यह आशीर्वाद बहुत ही प्रचलित है, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस दूध को किनारे रख दिया है। इसका चाहे तो आप खीर बना लें, सेवई बना लें, कुछ भी मीठा बनाएं, और मीठा बना करके इसका जो प्रसाद है, यह आप अपने पूरे परिवार सहित इस प्रसाद को पाएं। इसके बाद भगवान कान्हा के विग्रह को मैंने चंदन के घोल से नहलाया है। एक छोटी सी कटोरी में पीला चंदन है, उसको मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, और उससे मैंने स्नान कराया है, चंदन से स्नान कराया, जिससे कि भगवान सुगंधित बने रहें, आसपास उनके सुगंधी सुगंध हो, चंदन की खुशबू आती रहे, इससे चंदन के जल से स्नान कराया है। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराया है। इसके बाद में अंग का पोषण कर रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अंग का पोषण कर रही हूँ। मेरे कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं, बाल रूप है उनका बहुत ही छोटे हैं, बड़े साइज के नहीं हैं, बहुत ही छोटे साइज के हैं, वह दिख ही रहे हैं वीडियो में, तो इनको मैं इस तरह से अंग पोषण कर रही हूँ। इसके बाद ये अंग वस्त्र है, इस अंग वस्त्र को मैं ज़रूर पहनाती हूँ, तो ये देखिए मैंने अंग वस्त्र पहना है। इसके बाद में कान्हा जी को मैंने तैयार किया है। कान्हा जी को छठी में पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पर किन्हीं किन्हीं जगहों पर नीले रंग के भी वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो
तो मैंने कान्हा जी को नीला और गुलाबी रंग का वस्त्र पहनाया है और मुकुट लगाया है। इस तरह से अपने कान्हा को सुंदर तरीके से तैयार करके उस बिस्तर पर जो कान्हा जी की चौकी है उस पर मैंने बिठा दिया है। इसके बाद मैं कान्हा जी को काजल पा रहा है और कान्हा जी की आंखों में काजल लगाया है। यह काजल अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि छठी के दिन काजल लगाया जाता है। जो भी छोटा बच्चा होता है उसको काजल लगाया जाता है और छठी के दिन छठी जो है ये मनाने से कहते हैं कि छठी मैया आती हैं और बच्चे का भाग्य लिखती हैं, ऐसी कहावत कही जाती है। इसलिए छठी का मनाना बहुत ज़रूरी होता है और घर में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका छठी जरूर मनाया जाता है। छठी महारानी बनाई जाती हैं घर में और उस छठी महारानी के ठीक सामने दीवार पर एक छठी महारानी बनाई जाती हैं और उसी छठी महारानी की जो मूर्ति तस्वीर बनाई जाती है उसी के नीचे एक दीपक जलाया जाता है। वह दीपक रात भर जलता है लेकिन कहते हैं कि बच्चा उस दीपक को न देखे। उसी तरीके से कान्हा जी के लिए एक छोटा सा दीपक जला कर रखे हैं साइड के कोने में और कहें कि छठी महारानी आए, इस महोत्सव में आपका भी स्वागत है और छठी महारानी को भी के नाम पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद में जो मैंने भोग लगाया बनाया है, कढ़ी है, चावल है, सूखी सब्जी है, पूड़ी है और हरीरा है, इन चीज़ों को मैं भोग लगा रही हूँ, कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से भावपूर्ण तरीके से मैंने कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाया है। आरती कर रही हूँ, आरती करने के बाद में भोग लगाया और सभी को यह प्रसाद स्वरूप ये जो थाली है इसके भोग को पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगी और करना चाहिए। इस तरह से छठी का उत्सव अपने घर में जरूर बनाएं जिससे कि आपके घर में भी संतान संबंधी कमी दिक्कत कभी ना आए। कान्हा जी को बड़े भाव से बड़े ही प्रेम से जैसे कि कोई मेरे घर का सदस्य है इस भाव से उनकी छठी का उत्सव मनाएं। घर में बहुत ही खुशी का वातावरण होना चाहिए जिस समय भगवान का छठी का उत्सव आप मना रहे हों। यह बहुत ही सुंदर उत्सव लगता है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हों तो कृपया बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में।